के वंशज हम हैं। आज की परिस्थिति में हम राजा सुहेल देव के अगर वंशज हम हैं भी अगर नहीं बल्कि सत्य है तो हम उसका संस्कार भी पैदा करें। हम मालूम पड़े कि हमारा कोई इतिहास है, हम उनकी औलाद है। और केवल इतने से काम नहीं चलेगा कि हम राजा की औलाद है लेकिन पढ़ने नहीं जाऊंगा। हम मंडई में सोऊंगा, राजा की औलाद है, चाहे ओढ़ने के लिए रजाई कंबल हो चाहे ना हो। तो वही देहाती कहावत है कि कुछ लोग ताव में कहते हैं कि हमारे बाप भी खाए थे, हमारा गट्टा सूंघे, देखिए महक रहा कि नहीं महक रहा। आप राजा की औलाद हैं और उनसे प्रेरणा ले रहे हैं, नसीहत ले रहे हैं। तो जितने भाइयों ने बोला है कुछ आपको राजा बनने की जरूरत भी है। और ऐसा परिस्थिति आ गई लोकतंत्र है, जो संविधान निर्माता बाबा साहब ने जो इस देश में एक व्यवस्था जो बनाया कि पहले राजा जो है रानियों के पेट से पैदा होते थे, लेकिन एक मत का उन्होंने अधिकार दे करके अब कहीं पर हम लोग न तलवार चलाना, न बंदूक चलानी है, न कोई खून खराबा करना है, बल्कि 5 साल के बाद एक मौका मिलता है, एक मशीन है उसकी जाके बटन दबाओ, जिसके बेटा बेटे की ज़्यादा बटन जिसके पक्ष में दब जाएगी उसका बेटा राजा हो जाएगा। बहुत आसान है लेकिन हमारे लिए कठिन है। कठिन इसलिए है कि हम संगठित होकर के दूसरों के साथ जब तक हम दोस्ती नहीं करेंगे, अपने में भी संगठित नहीं होंगे, एक दूसरे की आलोचना समालोचना में फंसे रहेंगे, एक दूसरे की निंदा करेंगे, एक दूसरे के प्रति द्वेष करेंगे, तब समाज धीरे 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 कमजोर होता जाता है। इसलिए जिस भी समाज में व्यक्ति में द्वेष, एक दूसरे के प्रति घृणा, आलोचना का संस्कार आता है, वह व्यक्ति उसी तरह से खत्म हो जाता है ऐसे किसी कागज में आग लगा दीजिए, धुआं तक नहीं निकलेगा, कागज पूरा जल जाएगा। इसलिए राजा सुहेल देव के वंशजों, किसी के प्रति कोई द्वेष मत रखिए, न किसी के प्रति कोई घृणा, न किसी की आलोचना करिए। अच्छाइयों को ग्रहण करिए, अगर बुराइयां हैं तो मैं इसका पक्षधर हूं, उसको निकाल दीजिए। और जैसे संत कबीर ने भी कहा, साईं जी ने भी कहा था, एक इंसान का स्वभाव कैसा होना चाहिए, साईं ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव, ये सूप जो होता है वो सार सार को गह रहे थोथा दे गिराए, जो मजबूत दाना होता है उसको रोक लेता है, जो कमजोर दाना होता है उसको फेंक देता है। ऐसा स्वभाव बनाइए कि किसी की बुराई को सर पे लेके ढोने से क्या फायदा है, किसी की बुराई कर करके उसको रात दिन लेकर के झेलने की क्या फायदा है, उसको सूप की तरह उसको निकाल दीजिए, वजनदार चीज रखिए, पहिया निकाल के फेंक दीजिए। लेकिन हमारे लोग आज इसमें भी उलझते जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजभर के बारे में भी बताया इन्होंने, ये संघ हमारा चल रहा, तमाम संगठन चल रहे हैं, 1968 से हम लोग मीटिंग करते रहे, अब पूरे देश में घूमा गया। यहाँ तो आप लोगों को 10 बजे तक बैठाने में हम लोग कष्ट हो रहा है, जल्दी छोड़ा जाए, लोगों को जाना है। 4-4 बजे रात तक हम लोग बैठते थे, 3 शिफ्ट में बैठते थे और चिंता किया जाता था, कुछ सरकारों से भी मांगा जाता था, लेकिन मैं बार बार कहता था कि सरकार से हमारी कुछ मांग है, सरकारें नहीं मानेंगी तो उनका हम गला तो नहीं दबाएंगे, लेकिन कुछ समाज में भी हमारी मांग है उसको तो हम लोग पूरा कर सकते हैं, इसके लिए कोई शासनादेश की जरूरत नहीं है, न किसी विधानसभा या लोकसभा में कोई विधेयक पारित करने की जरूरत है। यह तो हमारे समाज की जिम्मेदारी है कि बैठ के एक पंचायत करो और आज के बढ़ते हुए युग में अपने समकक्ष के तमाम समाजों से तुलना करो कि हमारे ही समकक्ष की यह समाज बड़ी तेजी से आगे निकल रहा है और 75 साल आजादी के बाद हम जहां के तहां पड़े हुए हैं।
और उसमें कुछ हमारी कमियां होगी, सरकार की कमियां जो है उसको छोड़ा, सरकार बनती है बिगड़ती है। हमारे समाज के तमाम नेता सरकार के सामने मांग कर रहे हैं, न्यायालय में मांग कर रहे हैं, लेकिन हम तो बराबर हर मीटिंग में अपने समाज से मांग करता था जिसको वो पूरा कर सकते हैं। और अदालत और सरकारें करेंगी करेंगी, नहीं करेंगी तो आप गला भी दबाने के औकात में नहीं है। इसलिए मैं समाज से बार बार भी कहता हूं कि जब भी हम सम्मेलन हो बैठिए प्रेम से। राजनीति जिसको करना हो भिन्न भिन्न मंच है करें लो। और जब हम लोग मीटिंग करते थे तो हमारा समाज का मीटिंग कभी राजनैतिक रूप नहीं पकड़ता था, उसको हम पॉलिटिकल रूप नहीं पकड़ते थे। पॉलिटिकल चेतना तो जरूर पैदा करते थे, राजनीतिक चेतना पैदा किया जाता था, लेकिन उस मंच को पॉलिटिकल फॉरम नहीं फोरम बनाते थे। इसलिए कोई टकराव की स्थिति नहीं होती। आज हमारे समाज में हम लोग नेता हैं, सब लोग कोशिश करते हैं कि हम राज्य भर के नेता बने ताकि हम अपने दल में जाके बताएं।